नमस्कार दोस्तों, मैं शांतिलाल चंद्रवंशी ऑप्शन एक्सपर्ट के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2018 के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा की आंसर की हाल ही में आयोग द्वारा जारी की गई, जिसमें 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर गलत होने की स्थिति में अभ्यर्थी यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य सेवा परीक्षा एवं वन सेवा परीक्षा 2018 के संबंध में संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है। कई कोचिंग संस्थानों एवं अभ्यर्थियों से हमने यह जानना चाहा कि संभावित कट ऑफ क्या रहेगा, और हमने अपने अनुभव के आधार पर भी इस परीक्षा के संबंध में कट ऑफ निर्धारित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ष 2017 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षा का पेपर का स्तर और पदों की संख्या को देखते हुए कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 69 तथा ओबीसी वर्ग के लिए 66 रहा था। इसी की तुलना करते हुए हम वर्ष 2018 की परीक्षा के लिए भी कट ऑफ को जान सकते हैं। जहां 2017 में पदों की संख्या 500 थी, वहीं पर वर्ष 2018 में पदों की संख्या 202 है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि पेपर का लेवल भी वर्ष 2017 की अपेक्षा 2018 में काफ़ी टफ था। ऐसी स्थिति में हम कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं कि संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। इस संबंध में हमने जो एक्सपर्ट के व्यू हमारे एवं कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो हमें व्यू मिला, उस आधार पर हम जनरल कैटेगरी के लिए 72 से 74 क्वेश्चन का संभावित कट ऑफ मान रहे हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 68 से 70 क्वेश्चन सही होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। साथ ही हमने इन क्वेश्चनों का निर्धारण करने के साथ ही आयोग द्वारा जारी आंसर की में जो भी 5 से 6 क्वेश्चन हैं, जो कि लगभग पढ़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के सही हैं, उनको भी शामिल करते हुए यह कट ऑफ निर्धारित किया है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमने वो क्वेश्चन भी शामिल कर दिए हैं। क्योंकि आयोग जो भी आंसर की जारी करेगा, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगभग सभी और पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के सही हैं, वो क्वेश्चन आपके इस कट ऑफ में ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा पदों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। यदि पदों की संख्या 500 या इससे अधिक होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ में 4 से 5 क्वेश्चन तक कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पद बढ़ते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 66 से 68 क्वेश्चन और ओबीसी कैटेगरी के लिए 64 से 66 क्वेश्चन के बीच कट ऑफ रहेगा। दोस्तों, राज्य सेवा के साथ ही वन सेवा के लिए भी परीक्षा हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य वन सेवा में शामिल होने वाले लोगों के लिए संभावित कट ऑफ भी हमने निकालने का प्रयास किया है। वर्ष 2017 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षा का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 147 क्वेश्चन रहा। साथ ही ओबीसी के लिए यह 142 क्वेश्चन था। ऐसी स्थिति में राज्य वन सेवा 2018 में जनरल कैटेगरी के लिए 142 क्वेश्चन और 138 से 40 क्वेश्चन ओबीसी के लिए हम संभावित कट ऑफ मानकर चल रहे हैं। दोस्तों, हमने यह कट ऑफ काफ़ी मेहनत, काफ़ी लोगों से जो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से चर्चा करने के उपरांत ही जारी कर रहे हैं। पदों की संख्या बढ़ने के चलते कट ऑफ काफ़ी कम हो सकता है। यह बिल्कुल सही है कि राज्य सेवा परीक्षा 2018 का पेपर काफ़ी टफ था। साथ ही आयोग द्वारा जारी आंसर
की के चलते और भी जटिल लग रहा है। ऐसी स्थिति में हमने जो कट ऑफ निकाला है, अगर आपके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं तो आपको निसंदेह मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगना चाहिए बिना समय गवाए हुए। ऑप्शन एक्सपर्ट वीडियो चैनल की ओर से आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। I'm not afraid to catch you.